उधर चल जाओ, उधर 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 चल जाओ। मोबाइल थोड़ा सा पीछे आइए। उसको तो हड्डियां आप लोग करके लौट जाएंगे वही लगे की तरह से। नहीं यहाँ से लखीसराय में सम्मेलन कहाँ से फिर इसीलिए घर के फिर से निकल जाएंगे। मंडल जी मुंगेर के लिए तो जो क्षति है हुई है वो तो हुई ही है। वर्मा तो थोड़ा सा जी हम लोगों के समता पार्टी के समय के साथी रहे, समता पार्टी में प्रधान महासचिव भी रहे, समता पार्टी के निर्माण में उनका योगदान रहा। वो कम्युनिस्ट पार्टी में पहले थे, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर वो समता पार्टी में आए, नीतीश कुमार जी के साथ रहे। हम सब लोगों का रिश्ता बहुत ही मैंने पारिवारिक संबंध रहा है परमानंद मंडल जी के साथ, तो ये व्यक्तिगत क्षति भी हम लोगों की हुई है और मुंगेर की तो क्षति हुई ही है। मुंगेर में जो आज गंगा पुल आप देख रहे हैं इसका संघर्ष उन्होंने शुरू किया था परमानंद मंडल जी, और उन्हीं की मांग थी जिस पर नीतीश जी ने यह पुल स्वीकृत किया था उस समय, और फिर उन्हीं के ये पर आग्रह पर आए थे यहाँ नीतीश जी, और उन्होंने कहा था कि मुंगेर में जिस दिन शिलान्यास होगा हर घर में दिवाली मननी चाहिए, और पूरे वास्तव में मुंगेर शहर में दिवाली मनाई गई। तो परमानंद मंडल जी के जाने से हम सबों को क्षति हुई है, मुंगेर को भी क्षति हुई है, और एक जुझारू नेता हम लोगों ने खो दिया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी है केंद्र की सरकार ने, हम आडवाणी जी का अभिनंदन करते हैं, और ये इस सम्मान के वह हकदार थे और वह सम्मान उनको मिला है, और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही चुनाव किया भारत रत्न की उपाधि देने के लिए। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी जो उसके हकदार थे, और अब उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी जो इसके हकदार हैं।